हेलो दोस्तों, एवलिनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दुनिया में कई संयोग की घटना हुई है, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको काफी समय तक नजरअंदाज किया गया। ये घटना है टाइटैनिक जहाज के डूबने के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज डूबा था 1912 में। अगर हम आपको बताएं कि टाइटैनिक के डूबने की प्रेडिक्शन 14 साल पहले ही हो गई थी तो आपको यकीन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। एक राइटर मॉर्गन रॉबर्टसन ने 1898 में एक किताब लिखी थी, द रैक ऑफ द टाइटन। उनको उस समय कोई अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया की बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं। उनकी काल्पनिक कहानी में शिप का नाम था टाइटन और असली टाइटैनिक। दोनों में काफी समानता है। दोनों टाइटन और टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में थी। दोनों अंग्रेजों की बनाई लग्जरी शिप्स थी। दोनों को सबसे बड़ा समुद्री जहाज माना गया था। दोनों को माना जाता था कि ये नहीं डूब सकती और सबसे सुरक्षित जहाज है। दोनों टाइटन और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई थी। दोनों अटलांटिक महासागर में डूबी थी। दोनों घटनाएं अप्रैल के महीने में हुई थी। टाइटन 25 नॉट्स की स्पीड से टकराई थी और टाइटैनिक 23 नॉट्स की। डिस्प्लेसमेंट टनेज यानी शिप कितना पानी अपने से दूर करेगी जब समुन्दर में होगी, टाइटन का था 75,000 टन और टाइटैनिक का 67,000 टन। टाइटन 800 फीट लंबी थी और टाइटैनिक 882 फीट। टाइटन में 19 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे और टाइटैनिक में 16। दोनों जहाज में 3 प्रोपेलर थे। टाइटन में 24 लाइफ बोट थी और टाइटैनिक में 22। दोनों में वीआईपी लोग भी यात्रा कर रहे थे। टाइटन में 3,000 यात्री और टाइटैनिक में 2,224। दोनों घटनाओं में कई जाने गई और बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने मॉर्गन रॉबर्टसन से कई सवाल किए इस प्रिडिक्शन के बारे में और उन्होंने सब इनकार कर दिया और खुद भी नहीं जानते थे कि ये कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, आप सब ये जरूर जानते हैं कि ऐसे और भी मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दबाना है। और क्या विचार है इस वीडियो पर हमें कमेंट में जरूर बताना है।